प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हम 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में हैं और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देख रही है। गन्ने के भाव को लेकर हुड्डा बोले, मौजूदा सरकार ने एक पैसा नहीं बढ़ाया, बल्कि हमारी सरकार के दौरान भाव बढ़ाए गए। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हुड्डा ने कहा कि हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं और जिस तरह मेरा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया उसके लिए मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं और ब्रजभूषण शरण पर मानहानि का दावा करूंगा। 2024 का चुनाव जहां तक सवाल है, हरियाणा का सवाल है, हम तो तैयार है, हमारा तो हर कार्यकर्ता तैयार है, मंत्रियों की जरूरत ही नहीं हमारी। कांग्रेस की जो है बहुत भारी, जो आपने देखा यात्रा जो हुई, कितना जन समर्थन उसको मिला है, लोगों ने मन बना लिया अपना कांग्रेस का, वो उसके ऑल्टरनेट के रूप में कांग्रेस को ही देख रहे हैं। किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इस सरकार ने एक रुपया नहीं बढ़ाया जबकि हमारे समय में 165% बढ़ा, इनके समय में थोड़ा ना के बराबर बढ़ा है और लागत बढ़ा दी है। हमारे समय में खाद पर भी टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे भी नहीं था और ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी नहीं था, अब उस पर सब पे GST लग गया लेकिन कीमत उसके अनुसार नहीं मिल रही। इस वास्ते सरकार को तुरंत जो है गन्ने का भाव बढ़ा देते, कम से कम पंजाब के बराबर तो करें। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे देश के गौरव हैं, हमारी बेटियां बैठी वहां, बेटियां ने कहा और बेटियों का सम्मान करना हमारा सबका फर्ज है, सवाल इस बात का नहीं है। निष्पक्ष जांच नहीं होगी, सच्चाई जो है जाननी चाहिए। और जिस प्रकार से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने मतलब एक बात कही, मेरा भी नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा भी नाम लिया, तो मैं अपने कानूनी वकीलों से सलाह कर रहा हूँ और डिफेमेशन डालने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो बेटियों का सम्मान बढ़ाने वाले हैं। ये सबसे बड़ा मजाक है, जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उन पर विश्वास होना चाहिए, उनको काम करने का मौका देना चाहिए, फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, वो तो कर ही रहे थे ट्रेनिंग से।